हमारे पिताजी हैं हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, सारी बहनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें मना करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं, मतलब प्राइवेट पार्टों को भी टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बहनों ने अपने ही पिता पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। दोनों ने इसकी शिकायत सीएम योगी से ट्वीट के जरिए की है। इसके साथ ही तमंचे की तस्वीरें और वीडियो को भी टैग किया गया है। मामले की गंभीरता को देख बुलंदशहर पुलिस हरकत में आई और आनंद फानंद में पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पिता के दोस्त की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के एक गाँव का है। यहाँ की दो बहनों ने अपने पिता पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पिता और उसका दोस्त मेरी बहनों के साथ छेड़छाड़ करता है और रेप करने की कोशिश करता है। यही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी तक देता है। जब हम उनसे इस कृत्य का विरोध करते हैं तो वह हमें तमंचे की बट से पीटता है। हमारी माँ को भी विरोध करने पर बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि मेरे पिता प्राइवेट पार्ट्स को भी छूने की कोशिश करते हैं। पीड़ित बहनों की माँ ने बताया कि उसका आरोपी पति दरिंदा है, विरोध करने पर आरोपी मुझे भी पीटता है। बड़ी बेटी 8वीं क्लास तक पढ़ी है तो छोटी बेटी 3री क्लास तक पढ़ी हुई है। वे बेटियों को स्कूल जाने से रोकता है। पीड़ित युवतियों ने आगे बताया कि वे स्थानीय पुलिस के पास गई थी लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। फिलहाल सीएम योगी को शिकायत करने के बाद बुलंदशहर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस गाँव पहुंची और दोनों बहनों को एसएसपी ऑफिस लेकर आई। यहां उनकी आपबीती सुनी गई जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस आरोपी पिता के दोस्त की तलाश में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके घर तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। दोनों बहनें और उनकी मां के साथ आरोपी पिता से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले पर बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पीड़ित बेटियों की शिकायत पर सीओ स्तर से जांच हो रही है, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वापस किस लिए आए आज? हम यहाँ, हमारी ना कार्रवाई नहीं हुई सियाना थाने में। हमारे पिताजी हैं हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, सारी बहनों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें मना करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही हमारी और इसलिए हम बुलंदशहर में एसएसपी ऑफिस में आए हैं अपनी कार्रवाई के लिए। हमारी योगी जी से विनती है कि वो हमारे पुलिस क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है? वो बोल रही है कि इसमें हम छेड़खानी की रिपोर्ट मत लिखो तुम। वो छेड़खानी करते हैं? हाँ, छेड़खानी करते हैं, मतलब प्राइवेट पार्टों को भी टच करते हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, इसके खिलाफ सजा मिले जिन्होंने आज तक कराया हमारे साथ। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारा पता है गंगानगर बुलंदशहर।